हेलो दोस्तों, एक और नई खबर के साथ हम आज आपके बीच हाजिर हुए। आज हम बात करने वाले हैं शामली रेलवे पर। उत्तर रेलवे संरक्षा आयुक्त शैलेंद्र पाठक के शामली से टपरी तक का विद्युतीकरण और कलर सिग्नल कार्यों के निरीक्षण के बाद इसी माह में सादरा से लेकर टपरी तक बिजली की ट्रेन चलाने की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, आप हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि जानकारी आपको पूरी मिल सके। DRM के मुताबिक जल्द ही बिजली की ट्रेनों का संचालन सादरा से टपरी तक किया जाएगा। सादरा से शामली तक रेलवे का विद्युतीकरण और कलर सिग्नल कार्य फरवरी 2021 में पूरा हो गया था, जिसके बाद गत 25 फरवरी को उत्तर रेलवे के संरक्षा आयुक्त शैलेश पाठक, दिल्ली मंडल के रेलवे प्रबंधक DP गर्ग ने अधिकारियों के साथ विद्युतीकरण कलर सिग्नल कार्यों को निरीक्षण किया गया था। इस दौरान संरक्षा आयुक्त ने शामली से टपरी तक का 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली ट्रेनों की स्पीड की टेस्टिंग भी की थी। DRM DP गर्ग ने बताया कि 25 फरवरी को संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण में मामूली खामियां मिली, जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी माह सादरा से लेकर टपरी तक बिजली की ट्रेनों का संचालन इसी रेल मार्ग पर शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद डीजल इंजन हटा दिया जाएगा, बिजली के इंजनों से ट्रेनों को संचालन किया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो जो आप पूछेंगे। आप हमें अपनी जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।